ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। पटना में बड़ा नाव हादसा, अपने परिवार के खोजने पहुंचे लोग, राहत बचाव कार्य में देरी से लोगों में आक्रोश। राजधानी पटना में बीती देर रात नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह में बड़ा नाव हादसा हो गया। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात कच्ची दरगाह के नाव पर सवार करीबन 100 लोगों से अधिक राघोपुर दियरा जा रहे थे, जहां बीच गंगा नदी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव हादसा हो गया। वही नाव हादसे में दर्जनों लोग झुलस गए तो वही दर्जनों लोग गंगा नदी में कूद गए। वही घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि देर रात हादसा होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पाई थी। वहीं रविवार की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन करने में देरी होने से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश दिखाई दिया। वहीं लापता हुए लोगों के परिजन कच्ची दरगाह पहुंचे हुए हैं, जहां रो रो कर उनकी बुरा हाल है। वहीं फतुहा डीएसपी राजेश कुमार मांझी ने बताया कि नाव हादसा में 38 लोग घायल हैं, जिनके इलाज अस्पताल में जारी है, और नाव पर कितने लोग सवार थे और कितने लोग लापता हैं इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। आ